अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 2018 में KGF चैप्टर 1 आया था, जिसने ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। अब 2018 के बाद 2022 को 14 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रही है, जिसको लेकर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानेंगे कि KGF चैप्टर 1 किस किस ने देखा और KGF चैप्टर 2 को लेकर लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और उसके ट्रेलर के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है। तो आइए जानते हैं। खून से लिखी हुई कहानी है स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance। मेरे पास भी हथियार है। घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपने KGF लेने। मेरे दोस्ते लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा। माँ अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। आपका नाम? साकिब शुएब रहमान। जरियाब जैनुल आबदीन। असफल खान शहरियार। सर, आपने KGF चैप्टर 1 देखा था? वन देखी हुई है बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसा था वो? लोकल सिनेमा, बट दे हैव ट्राइड टू मेक समथिंग सिमिलर टू एज इफ हॉलीवुड, और आई रियली एंजॉयड दैट। इनफैक्ट माय फैमिली आल्सो। अभी KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, देखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वो किस टाइम। खैर पाकिस्तान में तो चूंकि सिनेमाज वगैरह आई थिंक बंद है, तो उसका हमें आइडिया नहीं है, बट आई एम वेटिंग कि अगर वो किसी भी तरह से नेटफ्लिक्स पे आ जाए या अमेजोन प्राइम पे आ जाए या किसी भी तरह कोई टॉरेंट वगैरह समथिंग, आई एम वेटिंग फॉर दैट इंशाल्लाह। आपने KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और उसमें एक्शन जो था वो माइंड ब्लोइंग था। ऑनेस्टली लाइक ऐसी ग्राफिंग और ऐसा एक्शन मुझे उससे पहले देखने को डिफरेंट सीजन्स में ही मिला है, लेकिन अब वो एक इंडिया ने भी इस तरह की एक मूवी बनाई है, तो इज रियली एक्साइटेड टू सी दैट। प्लीज आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार है KGF 2 का? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि KGF जो है ना, ये इस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स, द लास्ट किंगडम, 300, स्पार्टाकस, इन्होंने सब कुछ ही इसमें दिखा दिया है। मतलब इस लेवल की मूवी इंडिया बना रहा है कि जिसमें चढ़न चढ़ाई भी बहुत है, ठीक है। एक बंदा है वो एवेंजर्स से भी ऊपर चला गया, वो हल्क को भी उड़ा सकता है, वो सुपरमैन, मतलब ही इज़ अ नॉर्मल मैन, ही इज़ नॉट म्यूटेंट।
रैगनर की तरह का जो उसने एक्शन दिया है संजय दत्त ने, वो बहुत अच्छा प्ले किया है उसने, वो अच्छा मूवी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, उसकी जो उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है आउट क्लास अमेजिंग, संजय दत्त का गेटअप बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जितने भी हम लोग देखते हैं हॉलीवुड और आजकल अर्तुगरुल उस्मान वगैरह चल रहा है, तो ये इट्स ट्रू कि इन्होंने ना एक कॉकटेल सा बनाया है, बट आई वॉच मूवीज़ वो कि जो थोड़ी सी ना रियलिटी बेस्ड हो, तो इस हवाले से KGF बिल्कुल भी नहीं है, लाइक it is not a true story, it is just all about fiction. Zainul Abidin, abhi aapne KGF chapter 2 ka trailer dekha, kaisa laga? Interesting hai, balki kafi interesting hai. Usme main cheez ye hai ki ek to Sanjay Dutt ki jo looks hai na wo badi heavy kism ki hain aur wo aapko trailer dekhne ke baad movie dekhne pe majboor kar dengi, theek hai. Aur dusri Raveena Tandon ko kafi der ke baad humne dekha hai, humne unki jawani ki movies dekhte rahe hain, unke dances, unke gaane, unka जो एक सनी देओल और दूसरों के साथ जो एक कम्बिनेशन था वो बड़ा मज़े का था, हमने इन्जॉय किया, ख़ासतौर पे अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बड़ी कोई हैवी किस्म की मूवी आने लगी. आपने चैप्टर वन देखा है इसका? नहीं, चैप्टर वन मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो आपने अभी मुझे ट्रेलर दिखा दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे चैप्टर वन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चैप्टर वन नहीं देखता तो मुझे चैप्टर टू की समझ नहीं आएगी. ये ऐसे ही होगा कि जैसे कोई एक आध साल मैंने कोरोना में मिस कर दिया और अगले साल आऊंगा तो मुझे पिछला कोई समझ नहीं आ रही. आपने KGF चैप्टर वन देखा था? हाँ जी बिल्कुल. कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस. उसमें जो वो रॉकी था उसकी लुक्स बड़ी अच्छी थी, बड़ा लोगों ने उसको कॉपी किया, एंड वेरी नाइस. सही. अभी आपने चैप्टर टू का ट्रेलर देखा है, कैसा लगा, उसके बारे में क्या? बहुत कमाल ये तो, उससे भी बल्कि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है इसको देखने की और बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे लगता है. क्या लगता है कि KGF चैप्टर टू में क्या होगा? अभी इसमें हमें संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं, रवीना टंडन भी नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे? KGF चैप्टर टू आई थिंक वो उससे थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूवी होगी, व्हाट आई बिलीव. और एज लॉन्ग एज जो संजय दत्त का जो गेटअप है वो आई थिंक वो ज़्यादा, वो एक ज़्यादा कैप्टिवेटिव किस्म का है कि लाइक यू आर गोइंग टू सी संजय दत्त इन सम डिफरेंट जॉनर, आई थिंक सो. संजय दत्त तो फिर एक हमारे एक ऑलरेडी बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, उनको फॉलो करते आ रहे हैं और वो उनका जो एक स्टाइल है वो अपना है. या उनके बहुत सारे सीजन हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने जो रोल इस मूवीज़ में प्ले किया तो वो मुझे इस लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन और वो जो कौन सा था, आई एम सॉरी वो भूल, रैगनर, वाइकिंग्स, या इज लाइक अ सिमिलर काइंड ऑफ वाइकिंग्स, तो बड़ा अच्छा. आप देखें अभी अभी सिनेमा में भी डाल देते इसमें, वो ड्रैगन डालना चाहिए था वैसे, ड्रैगन डालना चाहिए था. इसमें जो रॉकी है हमारा मेन हीरो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, उसकी लुक्स कैसी हैं और एक्शन से भरपूर मूवी होने वाली है, आपको एक्शन पसंद है? जी एक्शन तो सबको पसंद है, शायद कुछ कुछ लोग होते हैं इमोशनल मूवीज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन हर रोज़ जो वही इमोशंस और सेम चीज़ें वो नहीं, बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा सा थ्रिल चाहिए होता है और ये एक बेहतरीन किस्म का थ्रिल नज़र आ रहा है. और उसकी जो लुक्स है ना वो ये बता रही हैं कि किस कदर वो ख़तरनाक किस्म का बंदा है, ठीक है. और जो उसका KGF पे कब्ज़ा है वहाँ पे, जो वो हीरे की कान या जो उसको कह सकते हैं, ठीक है, उस पे जो उसका कब्ज़ा है वो ये डिटरमिन कर रहा है कि उसके पास से हीरा निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फिलहाल पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन है, हमारे सिनेमाज़ में इंडियन मूवीज़ नहीं लगती, क्या चाहेंगे कि इस तरह की मूवीज़ पाकिस्तानी सिनेमाज़ में लगनी चाहिए, लोगों को भी एक्शन थ्रिल नज़र आए, इन्जॉयमेंट के मौके मिले? जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं ना, तो आई थिंक देर आर नो बाउंड्रीज फॉर एंटरटेनमेंट, दीज शुड बी ओपन फॉर एवरी कंट्री, बिकॉज दैट इंडस्ट्री हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड एट ऑल. सो आई बिलीव कि ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए एक दूसरी, तभी आप पॉलिटिकल लेवल को ज़रा साइड पे करके जब व्हेन यू सी अदर थिंग्स देन यू बिलीव कि ये चीज़ें आपस में एक कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन स्टार्ट वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, अदरवाइज वो नहीं होता. इट कैन नेवर हैपन, अदरवाइज आप जिससे भी मिलेंगे दे विल ऑलवेज बी अगेंस्ट पाकिस्तान और वी वुड ऑलवेज बी अगेंस्ट इंडियंस लाइक. बट जब इस तरह की चीज़ें आप अक्रॉस बॉर्डर्स चलाते हैं देन देर इज पोटेंशियल के वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेट कर सकें. ये एक हवाले से ठीक भी है, इसके दो परस्पेक्टिव हैं कि अगर तो हम इंडियन फिल्म अपने सिनेमाज में लगाने लग जाएँ तो हमारी पाकिस्तानी मूवीज शायद उस तरह से ना चल पाएँ. बींग अ पाकिस्तानी हमें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज हमें पहले अपनी सोसाइटी को ये बताना है कि पाकिस्तान जो है दे कैन मेक अ गुड मूवी, ठीक है. अब देर इज़ नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री
बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, उनकी बजटिंग, उनकी कास्टिंग, उन मतलब वो बिग गेम है। तो जब सिनेमा के अंदर एक साइड पे बॉलीवुड मूवी चलेगी, दूसरी पाकिस्तानी चलेगी, तो हमारा पाकिस्तानी मूवी का रेवेन्यू वो नहीं जनरेट हो पाएगा। अगर इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलीवुड लगानी चाहिए, बट आई थिंक नहीं, पाकिस्तान को अब हम इट्स टाइम टू प्रमोट आवर सेल्फ, हमें भी तो आगे जाना है ना। हाँ, लेकिन हमारे लिए ये है कि आई गेस कि शायद हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ताकि हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको सम हाउ किसी ना किसी तरीके से, कि हमें वो भी अगर एक अच्छी और इतनी एडवेंचर मूवी बना रहे हैं और इतना उसमें उन्होंने थ्रिल दिया हुआ है, एक्शन दिया हुआ है, एक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो वो हम भी ऐसा अब इंशाल्लाह फ्यूचर में, मुझे लगता है, उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान भी इस चीज़ पे वर्कआउट करेगा कि इस इंडस्ट्री को बेहतर करे और प्रमोट करे, ताकि इस तरह की इंटरटेनमेंट आती रहे। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन हैं। हमें एक वक्त था, हमें पाकिस्तान के सिनेमाघरों में इंडियन मूवीज़ देखने को मिलती थी, अब एक अरसा हो गया है बैन है मूवीज़। क्या कहेंगे, इंडियन मूवीज़ अनबैन होनी चाहिए ताकि कम से कम लोग जो है इस तरह की मूवीज़ इंजॉय कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हम लोग जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो लड़ाई से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो लड़ाइयाँ लड़ाइयों से तो ख़त्म नहीं ना होती। इसमें अब मेन चीज़ ये है कि हमें किसी ना किसी तरह से ना इन चीज़ों को, इन इंटरप्शंस को, इन मसाइल को ख़त्म करना है ना, तो हमें लड़ाइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, हमें थोड़ी सी मोहब्बतें जो है ना वो ढेलना पड़ेंगी लोगों के अंदर। तो वो ऐसे ही हो सकता है कि हम इस तरह के बैंस हटाएं, हम जो है वो बाहमी चीज़ें करें। जैसे अब आप देख रहे हैं, जैसे इंडियन और पाकिस्तानी जो वहाँ के सिख इंडस्ट्री है, जो वहाँ की पंजाब की इंडस्ट्री बॉलीवुड, और हमारी यहाँ के जो पंजाब के हैं इफ्तिखार ठाकुर वगैरह, इफ्तिखार साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले, मतलब उनसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, हमारे उस्ताद, तो वो जिस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, वैसे ही रोल जो है मेरे ख्याल में दूसरे जो लोग हैं और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको भी अदा करना पड़ेगा। मूवीज़ को बैन ऑफ करें, आप अच्छी मूवीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ताकि आपका कंपटीशन अच्छा हो, आप अच्छी मूवीज़ बनाएं, उनके साथ आप कंपटीशन करें, उनसे बेहतर आप प्रोड्यूस करें, ताकि आपको फिर उनकी मूवीज़ बैन ना करनी पड़े, लोग जो है वो प्रेफर करें आपकी मूवीज़ उनकी मूवीज़ पे, जैसे हमारे ड्रामे करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बैन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और बैन करना, वैसे भी अब VPN के दौर हैं, तो बैन करना कोई उस तरह का कोई सूदमंद चीज़ है नहीं। पब्लिक इंजॉय करेगी बिल्कुल, क्योंकि इंडियन मूवीज़ जो है वो आपको पता है सिनेमाज़ में शुरू से बड़ा उनका यहाँ पे पाकिस्तान में वो बड़ा बिजनेस करते हैं, तो एक लिहाज से ठीक भी है, बैन है, लेकिन अनबैन होनी चाहिए, ज़रा एंटरटेनमेंट होती है कुछ। खैर, अब तो पाकिस्तानी मूवीज़ भी आ रही हैं, लेकिन ये एक ज़रा नेक्स्ट लेवल की मूवी है। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने जाना पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन KGF चैप्टर 2 के हवाले से, और आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम को इस मूवी का कितनी बेसब्री से इंतज़ार है। वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपसी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर कम से कम इंटरटेनमेंट जो है वो अवाम के लिए खोले। वो चाहते हैं कि KGF पाकिस्तान के सिनेमा घरों की जीनत बने। आप किस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।